तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कई बार जो चमकते हुए पर्दे होते हैं, रुपहले पर्दे होते हैं, इनके पीछे की काली सच्चाई जब हम लोगों के सामने आती है तो लगता है कि इस चमक धमक भरी दुनिया के पीछे भी कितना गम है, कितना दर्द है। चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, चाहे वो कोई भी स्टार हो, ये जो सारी ज़िंदगी होती है तड़क भड़क स्टारडम, जिसे देखकर हम लोगों को लगता है, कई बार सोचते भी हैं कि यार कितने खुशनसीब लोग हैं ये, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना स्टार डम है इनका, इतने पैसे, शोहरत, दौलत, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। लेकिन इन लोगों के पीछे की ज़िंदगी की कई बार ऐसी सच्चाई सामने आती है जो हमें झकझोर कर रख देती है। सुशांत केस तो याद ही होगा आपको, उसको लेकर लंबी एक बहस हुई, खुदकुशी और कत्ल, हालांकि मामला अभी CBI के पास। ऐसी एक मौत ने एक वक्त में हॉलीवुड को चौंका के रख दिया था। इस बात को अब करीब 58 ईयर्स हो गया, 58 साल के करीब, लेकिन आज भी उस मौत की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा लिया गया है या उसके बारे में वाकई जो सच कहा गया वही सच है, ये दावे से कोई नहीं कह सकता। हॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस, एक ऐसा नाम जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में थे, जिनके एक अदा पे पूरी दुनिया एक तरह से फिदा थी, और उस एक सीन को, एक ऐसी तस्वीर थी जिसको दुनिया भर के कई अलग अलग फिल्मों के डायरेक्टर ने फिल्माने की कोशिश की, लेकिन उस तरीके से वो फिल्माया नहीं जा सका जो इस एक्ट्रेस ने करके दिखाया था। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके रिश्ते दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसके प्रेसिडेंट के साथ, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी मौत को लेकर आज भी रहस्य और राज बना हुआ है, मार्लिन मुनरो। सिर्फ एक तस्वीर याद कीजिए, हम लोगों ने सब जो मार्लिन मुनरो को जाना, दुनिया भर के मैगजीन में, अखबारों में एक तस्वीर छपती थी जिसमें एक एक्ट्रेस है, हवा में उसका स्कर्ट लहरा रहा है और वो उसको उड़ने से बचा रही है। ये एक तस्वीर है, वर्ल्ड फेमस तस्वीर है ये। इसी एक तस्वीर को कई बार अलग अलग फिल्मों में फिल्माने की कोशिश की गई, कई हीरोइनों ने इसकी नकल की, लेकिन कहते हैं कि जिस तरीके से इस सीन को मार्लिन मुनरो ने फिल्माया था, जो इसमें उन्होंने अदाकारी की थी, वो कोई और नहीं कर पाया। तो आज की कहानी उसी मार्लिन मुनरो की है जिनकी मौत सिर्फ 36 साल की उम्र में हो गई, 36 ईयर। बड़े बड़े लोगों के साथ जिसके नाम जुड़े, 3-3 शादियां की, फिर भी उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। जब वो खुद पैदा हुई तब उसके माँ बाप ने शादी नहीं की थी। उसके बाप का असली नाम या उसका बाप कौन था ये भी उसे दावे से नहीं मालूम था। जगह लिखा था कि कोई शख्स किसी दूसरे को कैसे प्यार कर सकता है, और जब वो नहीं कर सकता तो फिर आपको अपना ख्याल खुद रखना है। तो मैं अपना ख्याल खुद रखने के लिए अब तैयार हूँ, और इसीलिए उसने कहा था कि मुझे किसी की बीवी बनने से डर लगता है। लेकिन फिर भी 3-3 शादियाँ की, तीनों नाकाम रही। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के साथ नाम जुड़ा, जॉन एफ कैनेडी के भाई रॉबर्ट कैनेडी के साथ नाम जुड़ा, वहाँ के एक और दिग्गज खिलाड़ी के साथ नाम जुड़ा। और कहते हैं कि जब मौत हुई उसके बाद शायद चौथी शादी करने जा रही थी मार्लिन मुनरो, लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ नहीं मालूम। तो ये पूरी कहानी क्या है, क्यों इस मौत को लेके इतना राज है, और क्या वाकई मार्लिन मुनरो का कत्ल हुआ, अगर हुआ तो किसने किया, पूरी कहानी आपके सामने है। बात है 5 अगस्त 1962 की, 5 अगस्त 1962। 5 अगस्त 1962 की सुबह, उस दिन लॉस एंजलिस में एक जगह है सांता मोनिका, इसी के समंदर के किनारे एक म्यूज़िकल कंसर्ट था, बहुत बड़ा, और ये पहले से ही तय था, और इसमें बाकायदा बॉबी डोरिन, एल्पिस प्रेसले और डेन शेनन जैसे उस वक्त के मशहूर सिंगर जो है वो वहाँ परफॉर्म कर रहे थे। लोगों का हुजूम था, लोगों की भीड़ थी, और सुबह सुबह ये सारा कंसर्ट हो रहा था। इसी दौरान में जो वहाँ पे जॉकी था, जो उस पूरे कंसर्ट को बीच में कंपेयर कर रहा था, उसने अचानक कंसर्ट रोक कर और एक श्रद्धांजलि गीत गाना शुरू कर दिया।
अब लोग बड़े हैरान रह गए कि ये म्यूज़िकल कंसर्ट है, लोग मस्ती में हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और अचानक एक श्रद्धांजलि गीत, तो लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन कौन, कैसे, किसकी मौत हुई है ये अभी तक पता नहीं था। थोड़ी देर के बाद इसी जॉकी ने फिर ऐलान किया कि जिसने पूरी दुनिया को अपनी खूबसूरती का दीवाना बना रखा था वो मर्लिन मुनरो, उन्होंने सुसाइड कर लिया और अपने घर में किया। ये जब खबर आई तो वहाँ पे लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैली और तब पता चला कि मर्लिन मुनरो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि उस रात सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास जिस घर में मर्लिन मुनरो थी, उनके घर की एक केयरटेकर थी लेडी, उसने देखा कि मर्लिन मुनरो के बेडरूम की लाइट जल रही है। तो वो बड़ी हैरान, क्योंकि इतनी लेट तक बत्ती जलती नहीं है, तो गई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। ग्लास के ज़रिए उन्होंने देखा कि वो अपने बेड पे हैं, लेकिन बेड पे जिस हालत में सोई हुई थी उसको देख के डाउट हुआ। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की टीम पहुँचती है, दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर दाखिल होती है। बेड पर मर्लिन मुनरो पड़ी थी। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर देखता है, डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पे भी डॉक्टर जो है उनको मुर्दा करार देते हैं। इसके बाद ये खबर आग की तरह फैल जाती है। धीरे धीरे जांच होती है, अचानक 36 साल की उम्र में एक अच्छा खासा कैरियर, जिसमें एक करियर में करीब 30 फिल्में की मर्लिन मुनरो ने, और पूरी दुनिया में फेमस उनकी खूबसूरती के चलते, बल्कि कई बार उनको फोर्ब्स और बाकी लोगों ने दुनिया के सबसे मतलब टॉप 10 ताकतवर लोगों में, टॉप 5 खूबसूरत लोगों में शुमार किया गया। तो अचानक इस खुदकुशी की बातें लोगों को पचती नहीं है। अच्छा, इस वक्त तक चूँकि एक बार अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के बर्थडे पे खुद मर्लिन मुनरो ने गाना गाया था, वो एक मॉडल भी थी, एक्ट्रेस भी थी, सिंगर भी थी। तो उसके बाद से ये चर्चा हुआ था कि कैनेडी के साथ उनके रिश्ते हैं और दोनों में नज़दीकियाँ हैं, उनके प्यार के चर्चे खूब होते थे अमेरिका में। तब अचानक मौत ने कई कहानियों को जन्म दिया। फिर उसके बाद एक विटनेस मिला जिसने आखिरी बार मर्लिन मुनरो से बात की थी, उसका नाम था लाफोर्ड। लाफोर्ड हॉलीवुड फिल्म से जुड़ा हुआ था और मर्लिन मुनरो का दोस्त था। तो उसने जो बयान दिया पुलिस को नेक्स्ट डे, आखिरी बार मर्लिन मुनरो ने लाफोर्ड से ही बात की थी। लाफोर्ड ने बताया कि उसने उस रात डिनर पे बुलाया था मर्लिन को अपने घर पे, और मर्लिन तैयार हो गई थी। फिर जब शाम हुई, रात को करीब 8 बजे, उसने मर्लिन मुनरो को फ़ोन किया कि आप आ रहे हो, तो उसने कहा कि तब मर्लिन मुनरो उधर से बड़ी चिड़चिड़ी सी आवाज़ में जवाब दी कि मैं डिनर पर नहीं आऊँगी, और थोड़ी घबराई हुई भी थी, थोड़ी नर्वस भी थी। उसके बाद फ़ोन रख दिया। तो लाफोर्ड ने कहा कि थोड़ी देर के बाद उसने फिर दोबारा फ़ोन किया मर्लिन मुनरो को कि क्या आप डिनर पे आओगे, क्या हुआ। तो लाफोर्ड का ये बयान है कि मर्लिन मुनरो ने तब कहा कि वो नहीं आ पाएंगी, तुम प्रेसिडेंट को मेरा गुड बाय बोलना और तुम्हें भी गुड बाय, और ये कहकर फ़ोन काट दिया। लाफोर्ड का जो बयान, उसके हिसाब से उसे समझ भी नहीं आया। फिर उसे लगा कि वो परेशान हो या कुछ और है, क्योंकि एक मनोचिकित्सक से भी इलाज चल रहा था। तो उसने कहा कि उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई मामला सीरियस है, उसने फ़ोन रख दिया। फिर लगा कि चलो आज डिनर पर नहीं आएगी, और फिर सुबह सुबह ये खबर आई। ये जो लाफोर्ड शख्स है, ये मर्लिन मुनरो का तो करीबी था ही था, ये कैनेडी ब्रदर्स का भी बहुत करीबी था, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट और उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी। तो एक तरह से इन दोनों के साथ इसके अच्छे रिश्ते थे। जितनी भी एजेंसियों को उसने बाद में बयान दिया, चाहे पुलिस हो या फिर फेडरल एजेंसी हो, उनके एजेंट हो, चाहे वहाँ के डिटेक्टिव हो, लाफोर्ड ने हर एक बयान में लगभग यही बात कही जो मैंने अभी आपको बताई, कि उसने दो बार कॉल किया, डिनर पर बुलाया था, चिड़चिड़ी आवाज़ थी, फ़ोन रख दिया, वो आई नहीं, और उसे लगा कि कोई बात नहीं, परेशान है इसलिए नहीं आ रही। लेकिन बहुत सारे लोगों को लाफोर्ड के इस बयान पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि एक तरफ उसका मर्लिन के साथ भी अच्छा रिश्ता था, और दूसरी तरफ कैनेडी ब्रदर्स के साथ भी, जिनके ऊपर उस वक्त उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। लेकिन सवाल ये कि ये शक क्यों कि मर्लिन मुनरो ने सुसाइड किया या मर्डर हुआ, तो उसको लेके 2-3 चीज़ें थी जिसके जवाब आज तक नहीं मिले। पहली चीज़, जो पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद जो फॉरेंसिक की टीम जब घर में पहुंची, तो फॉरेंसिक की टीम ने ये देख के पहले शक जताया था कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर हो सकता है, और उसकी वजह थी 2-3 चीज़ें। पहली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से
मार्लिन मुनरो ने नींद की ज़रूरत से ज़्यादा गोली खा ली थी और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दूसरी चीज़, अब पहला यहाँ पे सवाल है कि इतनी सारी गोलियाँ मार्लिन मुनरो को, क्योंकि नींद की गोली एक प्रिस्क्राइब्ड वो है मेडिसिन, तो आपको ऐसे मिल नहीं सकता, तो इतनी सारी गोलियाँ कहाँ से घर में आई, किसने ला कर दी, उसका जवाब नहीं मिला। नंबर टू, वो जो सारी नींद की गोलियाँ थी जो शीशी में थी, वो मार्लिन मुनरो के घर से वो शीशी कभी बरामद ही नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है कि कोई हाथ में कागज़ में लपेट के तो दवा लाएगा नहीं, शीशी में होगी, तो वो शीशी कहाँ गायब हो गई। तीसरी चीज़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि इतनी सारी नींद की दवा खाई लेकिन बॉडी से ड्रग्स भी मिला। दूसरा, ये पता चला कि नींद की गोलियाँ जो हैं वो मुंह से नहीं खाई गई बल्कि उसको इंजेक्ट किया गया। तो अब ये इंजेक्ट क्यों किया गया और उसके बाकी जो सारे इंजेक्ट की चीज़ें थी वो सबूत कमरे में नहीं मिले, तो ये सारी चीज़ें एक शक पैदा करती हैं कि आखिर वो सबूत जिसकी वजह से सुसाइड किया गया उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ घर में मौजूद नहीं है, यानी कि घर से किसी ने गायब कर दिया, ऐसा कैसे मुमकिन है। इसको लेके फिर बहुत सारी बातें आई। कहते हैं कि जब मार्लिन मुनरो की खबर देर रात आई तो चूंकि बहुत सारे लोगों को मालूम था कि प्रेसिडेंट कैनेडी के साथ उनके नज़दीकी रिश्ते हैं, उसके बाद खुफिया एजेंसी देर रात ही मार्लिन मुनरो के घर पहुंचती है और वहां से जितने भी सबूत थे वो सारे सबूत को मिटा देती है, जिनमें बहुत सारे ऐसे खत थे, फोटोग्राफ्स थे जो कैनेडी के साथ थे, उनके भाई रॉबर्ट्स कैनेडी के साथ थे, वो सारे दस्तावेज़, वो सारे सबूत खुफिया एजेंसी वहाँ की, यानी कि CIA, वो अपने साथ ले गई ताकि ये मीडिया या आम लोगों तक न पहुँच सके, और इनकी सारी तस्वीरें, खत, जो भी और डॉक्यूमेंट्स थे वो हटा लिए गए। इसके बाद जांच हुई लेकिन जांच में कुछ निकला नहीं। अब वहाँ के कुछ जर्नलिस्ट ने ये तय किया कि मार्लिन मुनरो की मौत की सच्चाई सामने लाएंगे, तो कई क्राइम रिपोर्टर भी उसमें आई, लेकिन जब उन्होंने आखिरी 3 दिन के कॉल डिटेल्स को निकालने का फैसला किया तो पता चला कि सारे कॉल डिटेल्स वहाँ की फेडरल एजेंसी पहले ही ले गई है और कुछ भी नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा सबूत जिससे पता चले कि आखिरी में किन किन से बात हुई, कैसे बात हुई, वो पूरा ब्लैक हो चुका था। तो कोई सबूत ही नहीं था कि क्या बात हुई आखिर में और कौन लोग थे, ख़ासतौर पर लास्ट 3 दिन में वो गायब हो गए। मार्लिन मुनरो के पोस्टमार्टम के बाद कुछ नमूने लिए गए थे उनके शरीर के और उसे भेजा गया था फॉरेंसिक लैब, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर फॉरेंसिक लैब से वो नमूने ही गायब हो गए, जिससे उस मौत के ऊपर और गहराई से रोशनी डाली जा सकती थी। तो घर के अंदर से ये कहना कि नींद की ज़्यादा गोली खाकर खुदकुशी की, लेकिन नींद की गोली खाने के चाहे वो इंजेक्ट के ज़रिए लिया हो, वो शीशी, वो इंजेक्शन, वो कोई कुछ भी नहीं मिला। मार्लिन मुनरो के आखिरी के लगातार 3-4 दिनों के कॉल डिटेल्स वो पूरी तरह से क्लियर कर दिए गए, वो नहीं मिला। कुछ जो इसके साथ जुड़े हुए और चीज़ें थी, मार्लिन मुनरो के जो करीबी लोग थे, और जो करीबी लोग वो थे जो जिनका कैनेडी के साथ भी रिश्ता था, मार्लिन मुनरो की मौत के 48 से 72 घंटे के अंदर धीरे धीरे करके वो लोग भी गायब हो गए और उन लोगों ने वो शहर ही छोड़ दिया। हवा तब मिली इस चीज़ को जब इनमें से कुछ करीबी लोगों को जॉन एफ कैनेडी के दूर दराज के रिश्तेदारों के साथ देखा गया। तो ये था कि इन लोगों को वहाँ से हटा के जहाँ जहाँ ये रहते थे कहीं गुमनाम जगह पे ले जाया गया, ताकि ये लोग मीडिया की पहुँच तक ना आए और उनके ज़रिए पूरी सच्चाई जो है वो दबाने के सामने ना आ सके। तो इससे भी हवा मिली कि वो लोग जो मार्लिन मुनरो के करीबी थे, रिश्तेदार थे, वो प्रेसिडेंट के रिश्तेदारों के यहाँ उनको क्यों रखा गया ले जाकर। पुलिस दूसरी तरफ अलग दबाव में थी, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और वो देख रही थी कि इस मामले में मतलब ऊपर से क्या कुछ ऑर्डर आ रहा है। कहते हैं कि पुलिस को काफ़ी इस मामले में दबाव झेलना पड़ा कि इस केस को आपको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना और कहां पर ले जाना, ख़ासतौर पर जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट उस वक्त इस मौत की जाँच कर रही थी और दबाव असरदार लोग डाल रहे थे। और इनका मेन काम यह था कि आखिरी सप्ताह में मार्लिन मुनरो की मौत से कौन कौन से लोग थे जिनके साथ मुलाकात हुई, बात के तो कॉल डिटेल थे ही नहीं, वो सारी चीज़ें सारे रिकॉर्ड भी गायब कर दिए गए। अब सवाल ये है कि अगर ये काम खुदकुशी है तो फिर इतनी पर्दादारी क्यों, कमरे, सीन ऑफ क्राइम को साफ करना, कॉल डिटेल्स को निपटा देना,
आखिरी हफ्तों में किन किन से मुलाकात हुई, इसके सारे रिकॉर्ड्स को गायब करवा देना। तो ये सारी चीज़ें वही शख्स कर सकता था जो बेहद पावरफुल हो, और इसीलिए उंगली लगातार उठ रही थी जॉन एफ कैनेडी की तरफ, जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इसी दौरान में इस कहानी में तब एक और नया मोड़ आया जब एक वहाँ के जर्नलिस्ट जिनका नाम होड़ा होपर है, मॉलिन मुनरो की मौत के बाद उनको एक गुमनाम पार्सल मिलता है जिसमें एक खत का बंडल था, मॉलिन मुनरो के चिट्ठियों का एक बंडल था। और इस चिट्ठी में, इस खत में मार्लिन और जॉन एफ कैनेडी इन दोनों की बीच की खतो किताबत की बातचीत का पूरा नोट था कि दोनों क्या बातें करते थे, किस तरीके की बातें करते थे। कहते हैं कि इस खबर को छापनी थी लेकिन ये पूरी जो लेटर और जो तस्वीर में डिटेल थी एंड टाइम पर उसको रोक दिया गया और छापा नहीं गया। इसके बाद कड़ियां जोड़ने के लिए और जर्नलिस्ट ने कुछ इसमें खोजबीन की। टाइम मैगजीन में एक पूरा आर्टिकल आने वाला था इस मौत की सच्चाई को लेकर, एंड टाइम पे टाइम ने भी उस आर्टिकल को हटा दिया और नहीं छापा। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिव अफसर थे उनके ज़रिए और बाकी लोगों से बातचीत कर एक खोजी पत्रकार ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, और उसके बाद उसने एक पूरी बुक लिखी इस मौत के बारे में और एविडेंस के बारे में। और इन सारी चीज़ों में घूम फिर कर मामला आ रहा था जॉन एफ कैनेडी के साथ रिश्तों को लेकर, और सवाल वहीं पर आ रहा था कि मार्लिन मुनरो की मौत का संबंध सीधे सीधे जॉन एफ कैनेडी से है। तो इसने लिखा और उसके बाद इसको एक किताब की शक्ल दी गई। एक प्रकाशक पब्लिशर ने बाकायदा इस किताब को छापने की हामी भी भर ली और पैसे भी दे दिए, लेकिन पैसे देने के बाद कुछ दिन बाद उसने कहा कि हम ये किताब नहीं छाप सकते। उसने पैसे भी वापस नहीं लिए। इसके बाद वो जर्नलिस्ट बाकी पब्लिशर के पास गया, टोटल 14 पब्लिशर के पास गया, हर एक ने मना कर दिया क्योंकि उसमें जॉन एफ कैनेडी और मार्लिन मुनरो के संबंध और मौत को लेकर कैनेडी के सीधे सवाल उठाने वाली चीज़ें थी। तो फिर ये किसी ने भी किताब को छापा नहीं। हालांकि बातें तब तक होती रहीं और लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन गुपचुप तरीके से, क्योंकि कैनेडी पावरफुल थे, वहाँ के राजनीति में सत्ता में उनका दखल था। लेकिन फिर अचानक कहानी और बदलती है। साल भर के बाद, मार्लिन मुनरो की मौत के करीब 15 महीने बाद, 22 नवंबर 1963, मार्लिन मुनरो की मौत हुई थी 5 अगस्त 1962, और इसके 15 महीने बाद 63 में जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, हम सब जानते हैं। और ये हत्या भी एक रहस्यमय हत्या थी जिसको लेके कई बार, इसी कहानी में भी आपको बताया था, इल्यूमिनाटी का नाम आया तो कहीं और आया, कुछ और चीज़ें आईं, पर ऐसी साजिश गहरी थी कि जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे की कहानी की आज तक किसी को नहीं मालूम। तो मार्लिन मुनरो की मौत के ठीक 15 महीने के बाद जॉन एफ कैनेडी की भी मौत हो जाती है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जॉन एफ कैनेडी की मौत के बाद उनके भाई जो रॉबर्ट्स कैनेडी थे, वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं यूएस में। लेकिन जब वो इलेक्शन उनकी दावेदारी का नाम सामने आता है, तब तक चूंकि मार्लिन मुनरो के संबंध जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट्स कैनेडी दोनों के साथ वहाँ पे चर्चा में थे, तो इसी वक्त में जो उस जर्नलिस्ट ने किताब कई पब्लिशर को बेचे नहीं छापा, अब कैनेडी की मौत हो जाती है, थोड़ा सा इनका पॉलिटिकल पावर कम हो जाता है, और रॉबर्ट कैनेडी जब एक उम्मीदवार के तौर पर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव मैदान में उतरते हैं, तब इसी किताब को वहाँ की जो दूसरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, वो चोरी छुपे इसको बेचना शुरू करती है और बांटना शुरू करती है, आम लोगों को भी, मीडिया को भी और बाकी तमाम ताकतवर लोगों को भी। और कहते हैं कि ये बेस्ट सेलर किताब हो जाती है जो पूरी मार्लिन मुनरो के ऊपर लिखी थी, और इस किताब का जो नाम था वो था मार्लिन की रहस्यमय मौत, मिस्टीरियस डेथ ऑफ मार्लिन। ये किताब इलेक्शन के दौरान में रिपब्लिकन की तरफ से खूब बांटी जाती है और पढ़ते हैं, और इस किताब का पूरा जो निचोड़ था वो ये था कि मार्लिन मुनरो की मौत सुसाइड नहीं है बल्कि यह हत्या है, एक साजिश है। और उस वक्त के जो फॉरेंसिक टीम उस कमरे में गई थी उसकी भी ओपिनियन यही थी। तो इलेक्शन के दौरान ये बांटा जाता, और उसके बाद धीरे धीरे, अब चूँकि कैनेडी की मौत हो चुकी, दबदबा कम हो चुका, मार्लिन मुनरो की मौत एक बार फिर सुर्खियों में आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है लेकिन कुछ निकलता नहीं है। 20 साल के बाद दोबारा इस मामले की फाइल खुलती है,
और 20 साल बाद तय होता है कि इसकी दोबारा जांच की जाए। 20 साल के बाद यानी कि 82 में इस मामले की जांच होती है, 3 साल तक जांच चलती है। लेकिन चूंकि क्राइम सीन से पहले ही सारे सीन को साफ कर दिया गया था, कॉल डिटेल सारे मिटा दिए गए थे, रिकॉर्ड सारे गायब कर दिए गए थे, तो जो जांच कमेटी बैठी उस जांच कमेटी के हाथ में कुछ लगा नहीं और आखिर में उन्होंने यही कहा कि इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और यही है कि नींद की गोली ज़्यादा खाने से मार्लिन मनरो ने एक तरह से सुसाइड की है। लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि ये 100% नहीं है और उनकी राय में ये भी है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकता, लेकिन सबूत की कमी है इसलिए हम दावे से कुछ नहीं कह सकते। तो उन्होंने एक सवालिया निशान यहाँ पे छोड़ दिया। अब जो सवाल असल में उठे थे इस कमेटी के सामने भी, वो जो पुराने रिकॉर्ड में उसमें ये था कि पहली चीज़ मार्लिन के पास नींद की इतनी ज़्यादा गोलियाँ कहाँ से आईं, दूसरी चीज़ दवा की शीशी घर से क्यों नहीं मिली, कहाँ गायब हो गई, तीसरी चीज़ कि अगर नींद की गोलियाँ खाकर मार्लिन ने खुदकुशी की तो खून में ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा कैसे आई, मार्लिन के किडनी में ड्रग्स नहीं मिला, यानी किडनी में ड्रग्स नहीं मिलने का मतलब ये है कि मार्लिन ने ये गोलियां खाई नहीं बल्कि इसको इंजेक्शन के ज़रिए लीगी, तो इंजेक्शन के ज़रिए उन्होंने खुद लिया या किसी ने दिया, ये एक सवाल जिसका कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिस बेड पे मार्लिन मनरो की लाश मिली थी उनके बेडरूम में, उस बेड की जो बेडशीट थी चादर उस पर कोई सिलवट नहीं था, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो उसको लेके भी शक जताया गया। अब सवाल ये था कि अगर ये मर्डर है तो फिर क्यों, तो उसको लेके जो थ्योरी सामने आई वो ये थी कि दरअसल मार्लिन मनरो का कत्ल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कराया, और CIA ने इसलिए कराया क्योंकि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट मार्लिन मनरो के बेहद करीब थे और मार्लिन मनरो कैनेडी के बहुत सारे राज को जानती थी, और कहते हैं कि बीच में कुछ वक्त के लिए इन दोनों के रिश्ते में कुछ कड़वाहट आई और मार्लिन मनरो कुछ ऐसे राज मीडिया के सामने फाश करना चाहती थी और आने वाले वक्त में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती थी। ये बात कैनेडी और उनके करीबियों को पता चल गई, इससे लगा कि उनकी बड़ी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, क्योंकि दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चा वैसे ही आम था अमेरिका में। तो इसी वजह से मार्लिन मनरो कुछ ऐसे राज जो कैनेडी के वो जानती थी वो खोल ना दें, CIA ने उनको रास्ते से हटा दिया। एक थ्योरी है, जो सोवियत संघ उस वक्त उसने भी इस मामले में पूरी जांच की और उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है ताश उसने भी एक बारे में पूरी जांच करके मार्लिन मनरो की मौत के लिए CIA को ज़िम्मेदार ठहराया था। हालांकि इसमें एक और भी चीज़ आई है, वो ये कि एक थ्योरी ये भी है कि जॉन एफ कैनेडी के दुश्मनों ने जॉन एफ कैनेडी को बदनाम करने के लिए और उन्हें साजिश में फंसाने के लिए मार्लिन मनरो को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि कैनेडी और मार्लिन मनरो के रिश्ते, उन दोनों के प्यार के चर्चे आम थे, तो दोनों के रिश्तों को इस्टेब्लिश करने में कोई परेशानी नहीं थी, तो अगर ये कत्ल होता है तो इसमें कैनेडी का नाम आता है तो कैनेडी की बदनामी होगी, फंस सकते हैं। तो कहते हैं कि एक थ्योरी तो ये है कि CIA ने मारा क्योंकि मार्लिन कुछ राज उनके उगल सकती थी, लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि कैनेडी के दुश्मनों ने मार्लिन मनरो को ठिकाने लगा दिया ताकि उनके ज़रिए कैनेडी को बदनाम किया जा सके। और यही दो थ्योरी हमेशा, आज भी लगभग 58 साल बीत गए, हवा में है, लेकिन ज़मीन पर इस केस की सच्चाई क्या है, मार्लिन ने खुदकुशी की, उनका कत्ल हुआ तो क्यों हुआ, ये सारे राज आज भी दफ्न हैं। लेकिन ये सिंपल सुसाइड का केस इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जिस तरीके से क्राइम सीन को साफ़ किया गया, जिस तरीके से सारे रिकॉर्ड्स एक एक कर गायब किए गए, जिस तरीके से मीडिया और पब्लिशर्स पे प्रेशर बनाया गया कि वो इस तरह की चीज़ें ना छापें, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। हालांकि मार्लिन मनरो की मौत के बाद एक तरह से अमेरिका में कैनेडी फैमिली का भी पतन हो गया। 15 महीने के बाद खुद जॉन एफ कैनेडी की मौत हो गई, उनके भाई भी कुछ नहीं कर पाए और धीरे धीरे कैनेडी का जो एक दबदबा था फैमिली का US में, वो भी मार्लिन मनरो की मौत के बाद ख़त्म हो गया। तो आज भी मार्लिन मनरो की मौत एक रहस्य है और पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये सुसाइड है, कत्ल है तो क्यों है। हालांकि सुसाइड का कोई नोट नहीं मिला, सुसाइड का कोई रीज़न समझ में नहीं आया और आखिरी वक्त में भी किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि मार्लिन इस तरह का कदम उठा सकती हैं।
हालांकि एक ये भी थी कि जिस दिन इनकी मौत हुई उसके 3 दिन के बाद शायद वो चौथी शादी करने जा रही थी, तो उसका इससे कोई लेना देना, कोई रिश्ता ताल्लुक ये भी नहीं मालूम। तो दुनिया की सबसे चर्चित खूबसूरत हीरोइन की मौत आज 58 साल बाद भी एक तरह से रहस्य में ही लिपटी है। तो ये थी कहानी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।